नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक SPA 10000 उसका आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से इसमें एक ये प्रॉब्लम है। जैसे ही हम मेन स्विच ऑन करते हैं तो MCV का इंडिकेटर ग्लो करते हैं, और MCV स्विच को जैसे ही हम ऊपर करते हैं तो शॉर्ट सर्किट टाइप का शो करते हैं, और अगर हम इसे सीरीज़ को डायरेक्ट करेंगे तो MCV ट्रिप कर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ तो कुछ इस प्रकार से अगर प्रॉब्लम आपके पास आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए हम बने रहे हैं हमारे चैनल पे। मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरा दुकान का नाम है दोस्तों। ओके दोस्तों, इस प्रकार के प्रॉब्लम इस सेट के दोनों साइड में लगे हुए मॉस्फेट से भी होते हैं। ड्राइवर कार्ड्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो देखते रहिए दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर। सो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि ड्राइवर कार्ड से भी हो सकता है या ट्रांजिस्टर के जो भी है दोनों साइड मॉस्फेट शॉर्ट होने से भी होते हैं। मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ ऑन करके। अगर मैं ये सीरीज स्विच को ऑन करूँगा तो या तो ये फ्यूज उड़ाएँगे या नहीं तो फिर से MCV स्विच गिर जाएंगे। सो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि बार बार MCV को गिराने से MCV स्विच ख़राब हो जाते हैं और कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हम इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें बजर या कंटिन्यूटी मोड में रखना है, जैसे कि हमने बजर मोड में रखा तो देख सकते हैं। सबसे पहले आप एमीटर और कलेक्टर को चेक करें, चूँकि 00 शो कर रहे हैं बजर मोड में, विप मोड में और डायोड मोड में भी चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि उधर शॉर्ट बता रहे हैं आपका और इधर भी दोनों ही साइड में। वेल दोस्तों, चलिए अब दूसरे साइड का मैं चेक करता हूँ। कुछ इस प्रकार से इधर भी है हमारा शॉर्टिंग शो कर रहे हैं, जैसे कि ऐसा इसलिए होता है कि ये सारे पैरेलल लगे हुए होते हैं। वेल दोस्तों, मैंने बारीकी से देखा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दो एक मेल्ट पड़े हुए हैं दो। सो फ्रेंड्स, यहाँ वैसे भी कई बार इस पर मॉस्फेट चेंज किए हुए हैं किसी ने। वेल दोस्तों, चलिए मैं इसे प्रॉपरली जानने के लिए सबसे पहले तो हम ये दोनों मॉस्फेट का जो लगे हुए हैं उनको हटाएंगे। इससे पहले मैंने ध्यान से देखा तो इसके जितने भी लोड कैपेसिटर है पावर के वो सारे उभरे हुए हैं, फुले हुए हैं। सो हाई वोल्टेज का शिकार है। हाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई वोल्टेज होने पर ही कंडेंसर फुल जाते हैं और इसकी वैल्यू शिफ्ट कर जाती है कई बार। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर हम इसे चेक करते हैं। सबसे पहले फिर से मैं डायोड पर चेक करूँगा कि क्या हमारा डायोड लीकेज है या कोई और प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने चेक किया तो पाया कि ये डायोड हमारा ठीक है, चूँकि ठीक है तभी तो इसमें लाइट आ रही है। वेल दोस्तों, लीकेज से भी होता है कई बार, हाफ सौ एम्पियर लेते हैं। वेल दोस्तों, इस चैनल में डायोड हमारा ठीक है, बेल इसमें शॉर्टिंग शो कर रहे हैं। चलिए दूसरे साइड भी हम चेक कर लेंगे। ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं डायोड हमने चेक किया, पाया इसमें भी हमारा डायोड सही शो है कर रहे हैं। वेल दोस्तों, दूसरे साइड में जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को हिट पाया तो यहाँ पे ये शॉर्टिंग शो कर रहे हैं, और इसमें ये शॉर्टिंग शो कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो इसे जो इसके सप्लाई है 60 वोल्ट की, उसे हम दोनों तरफ से पार्ट 1 या पार्ट 2 का जो भी है सप्लाई है उनको हम डिसकनेक्ट करेंगे। इससे पहले हम ड्राइवर कार्ड का दोस्तों, हम ड्राइवर कार्ड में जो डायोड लगे हुए हैं 4007 उसको हम चेक कर लेंगे। और कई बार इन दोनों डायोड के शॉर्ट होने से भी हमारा सप्लाई ड्रॉप करते हैं। पहले दोस्तों, इसमें जिक्स होल्डिंग था इसलिए मैंने इसे निकाल नहीं पाया, इसलिए इसे आप चेक कर लें। जैसे कि दोस्तों, मैं डायोड को चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे लगी हुई में शॉर्ट शो कर रहे हैं, और इसमें ड्राइवर कार्ड में 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे ऑसिलेट के लिए, देख सकते हैं। इसमें से एक सही शो कर रहे हैं और दूसरा शॉर्टिंग शो कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, पार्ट ए और बी के लिए दोनों का अलग अलग ट्रांजिस्टर दोनों आउटपुट ड्राइव को ड्राइव करने के लिए होते हैं। अगर इनमें से कोई भी शॉर्ट होंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम करेंगे। जैसे कि इधर वाला ट्रांजिस्टर हमारा जो है 3055
शॉर्ट शो कर रहे हैं, और इसलिए है क्योंकि इधर इस साइड में हमारा शॉर्टिंग फुल शॉर्ट शो कर रहे हैं। तो इससे पहले हम कलेक्टर का सबसे पहले तो जो सप्लाई है उसे हम डिसकनेक्ट करेंगे, और करने के बाद हम इसे चेक करेंगे। और उससे बेहतर तरीका है कि आप ड्राई पल्स के लिए जो सप्लाई के वायर होते हैं उसके ड्राइव के लिए, उसे डिसकनेक्ट करने से भी आपका ये समस्या सॉल्व हो सकता है। जैसे मैंने दोनों ड्राइव ए और बी के दोनों को हटाया, डिसकनेक्ट किया, तो हमारा ये ट्रांजिस्टर जो पहले शॉर्ट शो कर रहे थे सो अभी ठीक शो कर रहे हैं। चूँकि इधर का मॉस्फेट शॉर्ट है फुल्ली, इसलिए बेस एमिटर कलेक्टर दोनों ही शॉर्ट होने के कारण से ये हमारे ड्राइवर कार्ड में भी शॉर्टिंग शो कर रहे थे। सो किस प्रकार से इसे चेक कर लेने हैं दोस्तों, और जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ उसी प्रकार से करना है चेक। देख सकते हैं हमारा जो पहले डायोड दोनों बता रहे थे शॉर्टिंग, सो अभी नहीं है क्योंकि वन साइड में बेस एमिटर कलेक्टर, क्योंकि जब भी मॉस्फेट शॉर्ट होते हैं मॉस्फेट ट्रांजिस्टर, उस समय ये तीनों ही शॉर्ट शो करते हैं। इस वजह से ये भी ड्राइवर कार्ड में भी शॉर्टिंग का प्रॉब्लम शो करता है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम इसे पार्टे का जो ये मॉस्फेट का हीट सिंक है उसे हम खोलेंगे, और उसे खोलने से पहले हम इसके जितने भी कलेक्टर पे लगे हुए हैं सप्लाई के वायर हैं, मेन वायर हैं जिस पे 60 वोल्ट की सप्लाई आती है, उसे हम डिसकनेक्ट करेंगे। और चूंकि ये पैरेलल में होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इसे हम डिसकनेक्ट कर लेंगे, और करने के बाद ही हमें इसे फुल जानकारी मिल पाएगा कि इनमें कौन कौन सा मॉस्फेट ट्रांजिस्टर जो है 5200 ख़राब है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। सो दोस्तों, मैं फिर से दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से इसे सप्लाई को डिसकनेक्ट करने के बाद आप इसे पुनः चेक करें डायोड मोड में या बजर मोड में, जो भी आपको सही लगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इसे चेक कर लें। जैसे ही मैंने इसके साइड को हटाया मैंने, तो पाया कि इस साइड हमारा शॉर्टिंग शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक का इसमें पैरेलल लगे हुए हैं चार हिस्से में। और दोस्तों, जैसे ही मैंने दूसरे साइड में देखा तो ये हमारा ये शॉर्टिंग शो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस भी, लोड रेजिस्टेंस भी हीट है, और ये दोनों साइड के जो है हीट सिंक में लगे हुए मॉस्फेट ठीक है। चलिए दोस्तों, उससे पहले हम इसे फिर से आपको दिखा दें कि किस प्रकार से अगर ड्राइवर कार्ड में डायोड शॉर्ट होने से भी होता है तो आप बजर मोड में या इस डायोड मोड में भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ख़राब होगा तो दोनों ही मोड में शॉर्टिंग शो करेंगे 0-0, या नहीं तो बजर भी बजेंगे। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने दिखाया कि इस चैनल में मैंने बताया कि आपका ये प्रॉब्लम है शॉर्ट है शो कर रहे हैं, सो चलिए इसको हम सबसे पहले तो इसे खोलेंगे, और खोलने के बाद जैसे कि मैंने ये इसके जितने भी कलेक्टर के वायर हैं पार्ट 1, 2, 3 जितने भी पार्ट 1 के चार मॉस्फेट मॉड्यूलर जो लगे हुए हैं उनमें से दो को हमने डिसकनेक्ट करेंगे, और करने के बाद ही इसे पुनः जान पाएंगे कि इनमें कौन कौन सा मॉस्फेट ट्रांजिस्टर ख़राब है। जैसा कि मैंने इसे डिसकनेक्ट कर लिए हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, इसे आप दोनों ही जितने भी लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक के वायर पर हीट सिंक पे मॉस्फेट वाले पे, उसको सबको एक एक करके अलग कर लेने हैं, और एमीटर की वायर रहने देना है, और आपको बेस वाइसिंग वाले पे भी ड्राइव के लिए जो वायर हैं प्रत्येक के लिए उसको भी डिसकनेक्ट कर लेने हैं, ताकि इससे फुल जानकारी मिल पाए, जैसा कि मैं आपको डिसकनेक्ट करके दिखा रहा हूँ प्रत्येक एक का। ओके दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि मैं अभी जब भी कोई वीडियो बनाऊँ तो फुल वॉच करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये कलेक्टर बेस का वायर को मैंने डिसकनेक्ट किए, जैसे कि इस साइड भी शॉर्ट शो कर रहे थे, वल जैसे ही मैंने इसका कलेक्टर और बेस की वायर को हटाया तो इसमें का शॉर्टिंग छोड़ दिए हैं, शॉर्टिंग नहीं है। वेल दोस्तों, चलिए मैं बी जोन का भी, बी साइड का भी इसके मॉस्फेट
के जो चार हीट सिंक लगे हैं उनको भी चेक कर लेते हैं, क्या इनमें भी कोई शॉर्टिंग है। पहले दोस्तों इसमें पहले तो शो कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही मैंने कलेक्टर दूसरे साइड का हटाया तो इसमें शॉर्टिंग शो नहीं कर रहे हैं। सो ये ओके है दोस्तों। तो इस साइड वाले का ये दो जो आपका हीट सिंक मॉड्यूलर है इनमें शॉर्टिंग है। चलिए इसे हम पहले खोलेंगे कुछ इस प्रकार से, फिर हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने ये हीट सिंक को बाहर निकाल लिए हैं और इसे साफ़ करने के बाद हम इसे अब चेक करेंगे कुछ इस प्रकार से। चेक कर लेने हैं, चेक करने के कई तरीके हैं। जैसे कि पहले ही मैंने इसके कलेक्टर बेस के वायर को मैंने डिस्कनेक्ट किया है, तो पाया कि ये तीनों ही ट्रांजिस्टर हमारा फुल्ली शॉर्ट शो कर रहे हैं और कुछ इस प्रकार से 0-0 शो कर रहे हैं, देख सकते हैं आप और सुन भी सकते हैं कि बजर मोड में किस प्रकार से भी बज रही है। सो फ्रेंड्स, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप भी इसी तरह से इसे चेक करें और चेक करने के बाद एक एक करके ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लें और निकालने के बाद पुनः इसे फिर लगाएं। और लगाने से पहले आपको ड्राइव चेक कर लेना है। जैसा कि दोस्तों इसमें 6 ट्रांजिस्टर ख़राब हैं और 2 रेजिस्टेंस ओवर हीट हुए हैं दोनों ही चैनल के, एक एक करके, जो मैंने पहले भी बताया था कि चूँकि इसमें पहले से ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें पहले से ये जो लगी हुई ट्रांजिस्टर थी सारे ख़राब थे। मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाया, दर्शाया, क्योंकि इसमें समय लगता है। और उसके बाद मैंने पुनः इन सभी मॉस्फेटों को नए लगाने के बाद इसे फिर से हम चेक करेंगे और इसे हमने फिर से वापस लगा दिए हैं। और लगाने के बाद चलिए दोस्तों इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा फॉल्ट सॉल्व हुआ है या नहीं। ओके दोस्तों, सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने सेट को ऑन किया तो किस प्रकार से सीरीज ब्लॉक ग्लो हो करके सेट हमारा ऑन हो चुका है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, चलिए हम इस पे ऑडियो ग्रेन चेक कर लेंगे और आप सुन सकते हैं किस प्रकार से हमारा ऑडियो क्लिक हो रहा है। ओके दोस्तों, ये हमारा फॉल्ट शॉर्ट सर्किट का जो था सो फॉल्ट फाइंडिंग हो चुके हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं दोस्तों कैसे क्लिक करने पर एंपियर ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। और ये हमारा वीडियो फॉल्ट सॉल्व हो चुका है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।